हसे 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 गारे हसेगा इंडिया रे 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 कॉमेडी का बादशाह हसेगा इंडिया सचमुच सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड हंसने वाला है मैंने कारनामे ही कुछ ऐसा किया है राजू जी के कपड़े मैं पहन कर आई हूँ माय गॉड मैं ये सोच के इतनी एक्साइट हो रही हूँ कि वो मेरे कपड़े में कैसे लगेंगे राजू जी आप सबको बताएं मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो हमेशा मेरे कपड़ों पे कमेंट पास करते थे मेरी ड्रेस पे हमेशा उनकी नज़र थी आज मैंने सोच लिया कि मैं अपनी कॉस्ट्यूम उनके रूम में छोड़ के आ जाऊं इसीलिए मैंने ऐसा किया सही किया ना देखा मेरी ऑडियंस भी मेरे साथ हैं तो लेट्स प्रेजेंट हॉट सिज़लिंग स्पाइसी Black pepper sauce. Item boy, Raju Srivastav. Burkhe mein rehne do, burkha na uthao. Burkha jo uth gaya to bhed khul jayega. Allah meri tauba, Allah meri tauba. Allah meri tauba, Allah meri tauba. मैंने राजू जी के लिए कहा था आपा जी सही पते पे आए हो ना आप नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सही पते पे आई हूँ आप ठीक हैं जरा हाथ तो दिखाना ये हाथ भी जाना पहचाना सा लग रहा है अरे ये तो हाथ से भी पहचान लिया नहीं तो मुझे दिखाना पड़ता मुंह अब तो मुंह दिखाई दो जरूर तुम राजू हो राजू ये बस मैंने अपना ढक्कन खोल लिया अब ये डब्बा और कनस्टर खोलने के लिए मत बोलना मेरे सपनों पे पानी फिर गया मैं अपने कपड़े तुम्हारे पास छोड़ के आई थी ये पूरे कपड़े पहन के क्यों आ गए तो क्या बाथरूम में तुम्हारे कपड़े थे वहाँ हाँ मैं तो पूरे बाथरूम में ढूंढा और ऊपर भी देखा वहाँ तो कुछ एक कोने में एक छोटा सा रंगीन रुमाल पड़ा हुआ था उसको लेके मैं जैसे ही अपने बदन मेरा स्कर्ट था हाँ नौकरानी ने बोला स्कर्ट था फिर एक कोने में एक बनियान पड़ी हुई थी बनियान होगी जैसे उसको वो उसको, मेरा टॉप था तभी मैं कहूँ कि इसको ऐसे लंबाई में बड़ा होना चाहिए ये यूं बड़े होने के बजाय यूं बड़ा था अब सुनिए सॉरी से हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो हमसे भूल हो गई हमका माफी दे दो अब अपनी दुकान को वहां रखो जाके अपनी दुकान नहीं खोलोगे मैं तो फेरी वाला हूँ फुटपाथ पे ठीक हूँ ठीक है हम हमारी दुकान खोल लेते हैं जा जाओ खोलो उल्लू बनाया पीयूष एंड द फाइन ट्यूनर्स क्या बात है वेरी गुड थैंक यू फैशन हर शुक्रवार को नया नया फैशन आ रहा है फिल्मों से फैशन आता है हमारे पड़ोस के एक टेलर है वो टेलर को देखा हाथ में से कपड़े लिए हुए लेडीज कपड़े कहीं पहुंचाने जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं पहुंचाने होम डिलीवरी ड्रेस ले लेडीज ड्रेस हमने कहाँ जा रहे हो अरे जाने रोको मत हमने कहाँ जा रहे हो बस भैया बहुत जल्दी पहुंचाना है मिश्राइन के यहाँ पहुंचाना है मिश्राइन का ऑर्डर है हमने कहा इतना भाग क्यों रहे हो अरे अगर लेट हो गए तो फैशन बदल ना जाए कपड़े वापस हो जाएंगे क्या बताएं फैशन के बारे में मैं तो बहुत परेशान हूँ एक लड़कियाँ पहनती हैं उसको बोलती हैं टॉप रहेगा वो एकदम ही टॉप होता रहता है अच्छा लाई खुद ही खरीद के पूरे रास्ते भर मार्केट में कहीं भी ऐसे बैठ के जब उठेंगी तो ऐसे फिर इसको ऐसे कर लेंगी और जो जीन्स है जीन्स तो बहुत हैरान है लड़कियों से जीन्स को पहले अच्छे से कहाँ से बांधते थे नाभी से तमीज़ के साथ
अच्छे से, जीन्स भी खुश होती थी। अब जीन्स दोनों तरफ की हड्डियों में बस अटकी हुई है, अटकी जीन्स अपनी जगह छोड़ चुकी है और यहाँ जितनी नीचे गई है वो नीचे ज़मीन पर लिथर रही, फसर 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 फसर, पूरा रास्ता साफ हो रहा है। कुत्ते लोग देख रहे, ये हमारा काम कौन कर रहा है। टॉप टॉप और टॉप हो रहा है और जीन्स और नीचे जा रही। कभी कभी जीन्स बोलती है, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, या तो हमें पहनी लो या उतारी दो, कभी हम दोनों का मेल भी तो कराओ। और टॉप जो है, टॉप के बारे में मैंने नोट किया है, मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा, लड़कियां क्या करती हैं, फैशन भी करना उनको और समाज को भी देखना। जैसे कोई बुजुर्ग आ रहे हैं सामने से, बुढ़े लोग आ रहे हैं, उनको देख के इसको ऐसे ढकती रहती है ताकि बुजुर्ग लोग कहें देखो वैसे है अपने संस्कार में, ये बेचारी अपनी तरफ से तो ढकना चाहती है, मगर टॉप आ ही गया, छोटा छोटा आ गया बाय मिस्टेक। उन बुजुर्गों को मालूम है छोटा खुद ही खरीद के लाई है। पता है, पता है बुर्का क्यों पहना? बुर्का, हाँ बुर्का क्यों पहना बाय द वे? हम बता तो रहे, वही तो बता रहे हैं। हाँ, जैसे हम नहा के निकले, एक तो इतने बड़े बड़े शीशे क्यों लगा देते हैं बाथरूम में, क्यों? कई बार आदमी खुद को देख के डर जाता है। मैं इतना डरावना हूं अंदर से। हम भी अपने आप को देख के एकदम घबरा गए, घबरा के हमने कहा भैया ऐसे तो हम पब्लिक के सामने नहीं जाएंगे, इस हालत तो नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ पहनेंगे जरूर। तभी आपकी नौकरानी आ गई। मेरे कपड़े क्यों नहीं पहने? आपकी नौकरानी बीच में आ गई। वो आके मुझसे बोलती, साहब मैं आपको एक ऐसी चीज दूं जिसमें आप तो दूसरे को देख सकते पर दूसरा आपको नहीं देख सकते। बस बुर्का पहना चला आया। राखी मैं बुरके में और तू मेरे कपड़ों में, जरा अनकंफर्टेबल लग रहा है, चलो बदल लें। यहाँ सबके सामने? नहीं नहीं, सबके सामने नहीं, अभी तो आपके कारनामे लोग देखेंगे। एक देखते हैं कारनामा। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? जी मैं चांद बरजातिया, काफी हिट फिल्में बनाई हैं मैंने, मैंने प्यार खाक किया, हम आपके क्या लगते थे। राखी जी मैंने अभी अभी एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है विवाह क्यों। ओह, तो आप मेरे साथ हनीमून बनानी है? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसी एडल्ट फिल्म नहीं बनाते राखी जी, हमारी फिल्म है ना एक बड़ा सा परिवार, वो सब रहते हैं बड़े से घर में, बहुत प्यार है सब में। एक मिनट, आप अपनी ये फिल्म की कहानी छोड़िए और मेरी 3 शर्तें सुनिए। पहली, राखी को कहानी सुनाने का नहीं। दूसरी, सुनाओगे तो राखी सुनेगी नहीं। तीसरी, सबसे इम्पोर्टेंट, राखी कहानी सुनेगी लेकिन समझेगी बिल्कुल नहीं। हा? और चौथी, लेकिन अभी अभी तो 3 शर्तें रखी राखी तो जी। क्या हुआ, राखी कभी भी कोई भी चीज चेंज कर सकती है। मैं देख रही हूँ पसीना निकल रहा है। हसे 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 गारे, हसेगा इंडिया रे, हसे 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 गारे, हसेगा इंडिया रे। कमाल है, क्या ब्यूटी है, एक बात कहनी आपसे। वेलकम बैक कॉमेडी का बादशाह। शशि कपूर वो तो है, लेकिन राखी अभी अपने अपने कपड़ों में अच्छा लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है, क्यों सही है ना? बिल्कुल सही है, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, माय गॉड। और आपकी ये जो बेल्ट है ये बहुत सेक्सी लग रही है। वैसे एक बात बता दे, अजीब ट्रेंड चल रहा है आजकल, आजकल बेल्ट सेक्सी है, कोट सेक्सी है, जूता सेक्सी है, आदमी तो न जाने कहाँ छूट गया पीछे। मेरी बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, हसीन कमसीन, 18 साल की, सुंदर, मॉडल, मॉडलिंग करती है और भोजपुरी फिल्मों में हीरोइन भी आ रही है। एक दिन मैं देखा बिल्डिंग नीचे टहल रही थी, साथ में कोई बूढ़ा खूसट था 70-75 साल का, तो हमने लड़की को कहा हाय हाय या
हमने ये अंकल है डैडी डैडी व्हाट नॉनसेंस व्हाट डू यू मीन मेरे हस्बैंड है मेरे पति हमने कहा आपके पति आप 18 की ये कब्र में इनके पैर लटक रहे इसे क्यों सब चलता है क्यों एक्चुअली क्या है इनकी बहुत अच्छी है इनकम और सब में बड़ी बात यह कि इनके दिन कम अब हम राखी के पास जा रहे हैं क्योंकि आपको हंसाने के लिए एहसान कुरैशी आ रहे हैं कुरैशी एहसान आया एहसान कुरैशी पन्नी कविता लाया एहसान कुरैशी जब वो कविता ओए होए लोगों की तबीयत ओए होए राखी जी आप तो बिग बॉस की टीम से ऐठी हो मगर आज गजोधर भैया के बाजू में क्यों बैठी हो दुनिया के लोग आपसे बात करने में घबराते हैं दुनिया के लोग आपसे बात करने में घबराते हैं मगर पहले ये तो बताओ राजू भैया बार बार आपको हाथ क्यों लगाते हैं बहुत बढ़िया आप दोनों की जोड़ी गजब ढा रही है आप दोनों की जोड़ी तो गजब ढा रही है और इधर देखो स्नेहा पीयूष के साथ मिलकर गाना गा रही है इस जोड़े का भी राखी जी इस जोड़े का भी क्या कहना ऐसा लग रहा है एक है तोता और बाजू में मैना मेरा हवाई जहाज उड़ा नागपुर से मैं आया बॉम्बे तो नागपुर से बॉम्बे की जो फ्लाइट है एक घंटे वो बाजू में एक लड़की खूबसूरत सी गा रही एक घंटा पूरा गाना गाई मैंने उससे कहा बहुत अच्छा गाती हो बोले नहीं जी हम तो बाथरूम सिंगर है तो मैंने कहा फिर किसी दिन बुलाओ महफिल जमाएंगे एरोप्लेन में तो बाजू में दूसरे सज्जन बैठे वो पूछे बेटा क्या करते हो मैंने कहा अंकल कवि हूँ कविताएं सुनाता हूँ उन्होंने कहा अंकल आप क्या करते हो बोले बेटा मैं बहरा हूँ सुनता ही नहीं लोग पहले ही कान बंद कर लेते हैं लेकिन मुझे आप लोग सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मैं बाहर निकला एयरपोर्ट पे एक भिखारी ने निपटाया सामने ही आया बोले साहब एक रुपया देना मैंने कहा यार तू हट्टा कट्टा भिखारी जैसे तो नहीं लगता बोले आप कौन से साहब जैसे लगते हो सही है। मैंने कहा यार मेरे को निपटा दिया अब मेरे को डांटता हूँ उसको मैंने डांटा मैंने कहा एक रुपए का क्या करेगा यहाँ तो चाय भी 10 रुपए की आती एक रुपए क्या करेगा भिखारी बोला साहब मैं आदमी का स्टैंडर्ड देख के मांगता हूँ दूसरी लाइन मैंने कहा अब तो इसको निपटाना ही पड़ेगा 10 का नोट दिया उसने वापस मुझे 9 नोट देने लगा मैंने कहा रख ले बेटा मैंने 10 ही दिया हूँ भिखारी बोला देख के दिया करो साहब पहले मैं भी ऐसे ही बांटता था भिखारियों से नहीं जानवरों से बात करो तो हंसी आ जाती राखी जी एक दिन तो चूहा जा रहा 2 चूहे भाग रहे थे जंगल से हाथी ने रोका बोले ए कहाँ जा रहे हो दोनों चूहे बोले सर जंगल में शेर का मर्डर हो गया लोग हम पे शक कर रहे हैं कोई छोटा बड़ा नहीं मगर एक चूहे और एक हाथी की दोस्ती थी चूहा दुम में लटकता था हाथी के साथ घूमता था रोज दोस्ती दोनों
एक दिन चूहे ने बड़े प्यार से हाथी से कहा, यार तेरा अंडरवियर उधार देना। हाथी को चक्कर आने लगे। हाथी बोला, क्यों तू पहनेगा क्या? चूहा बोला, नहीं बेटी की शादी ना, पंडाल लगाऊंगा। पहले एक गाना आया था बहुत अच्छा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। मगर भ्रष्ट नेताओं ने इसको पलट दिया। हाँ, अब तो गाना ही पलट गया। नेताओं की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। क्या बात है, सही कहा। सही है ना, आज के जमाने में यही हो रहा है। और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है, अत्याचार होता है, वहाँ अपनी कलम चलती है। राखी जी, मेरे एक दोस्त ने मुझसे शिकायत किया, बोले मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कमल का फूल दिया। मैंने कहा, रिएक्शन क्या मिला? बोले, बदले में उसने मुझे चांटा दी। मैंने कहा, ठीक ही की, तूने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया, उसने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह दी। मैं तो स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मजाक करता था। एक दिन मैंने मजाक मजाक में बच्चों से पूछा, कोई क्लास में बेवकूफ बच्चा हो तो खड़े हो जाए। 5 बार बोला, कोई खड़ा नहीं हुआ। 6वीं बार में एक बच्चा खड़ा हुआ। मैंने कहा, शाबाश बेटा, आप मानते हो आप क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हो। लड़का बोला, सर ऐसी बात नहीं है, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। और 2 लाइन आखिरी सुनाता हूँ, भ्रष्ट राजनीति पे, भ्रष्ट नेता पे। भ्रष्ट नेता के बंगले का एक कुत्ता, भ्रष्ट नेता के बंगले का एक कुत्ता, राजनीतिक माहौल से ऊब गया, भागा जाके सीधा गंदे नाले में डूब गया। अब साथी कुत्तों ने उसको बाहर निकाला, उससे कारण पूछा, तो कुत्ते ने बताया, अब हम और जुल्म नहीं सह सकते, और एक बंगले में दो दो एक साथ नहीं रह सकते। कमाल कर दिया एहसान कुरैशी ने, क्या बात है। बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से कॉमेडी के सरताज हो रहे हैं VIP, लेकिन आज कॉमेडी की पूरी आर्मी लेके पूरी तैयारी के साथ आए हैं नितिन। मुकाबला होने ही वाला है, क्या होगा कैसे होगा, ब्रेक के बाद। हंसे 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 गारे, हंसेगा इंडिया रे, हंसे 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 गारे, हंसेगा इंडिया रे। वेलकम बैक। अरे हम तो फिर से आ गए कॉमेडी का बादशाह। क्या बात है राजू जी। Yeah? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। Yes. कहूँ? कहो। Sure. आपका ये सूट तो अमेजिंग लग रहा है। ये, थैंक यू। और आपने इतना सारा जो मेकअप लगाया है, इट्स लवली। थैंक यू। और आपकी ये बेल्ट, इसके तो क्या कहने, छुपा मत। हाँ, वाव, इट्स अमेजिंग। अच्छी है? लेकिन हैंडसम तो आप फिर भी नहीं दिख रहे हो। सही है ना? बढ़िया है। राजू भाई गा दो ना। दिल को देखो चेहरा ना देखो, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। ए पुष्पा, अरे अब समझ गई ना, वो क्या है कि हमारी बेल्ट पे मत जाओ और कभी मुझे अकेले में देखो। कॉमेडी की जंग होने जा रही शुरू। देखते हैं आज के एपिसोड में कौन बनेगा कॉमेडी का सरताज। सबसे पहले फौजी को हम बुला रहे हैं। ये फौजी पूरी तैयारी से आया है, जोरदार तालियों के बीच नितिन। और सूट बूट में आया नितिन, वा बैंड बजाने को, नए
जोक्स पे खूब हसाने नए जमाने को आई सूट बूट में आया नितिन वा आइए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम आदाब राखी जी आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं देखो 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 सुनो सुनो कुछ सुनो और जो इन दोनों के करीब होते हैं वो बड़े हंस नसीब होते हैं क्या बात सेलफोन का जमाना है हर किसी के हाथ में फोन है सभी लोग फोन पे लगे हुए हैं कोई बात करता है कोई सुनता है कोई SMS भेजता है अब फोन का देखे कितना असर पड़ गया सेलफोन का एक लड़की बस स्टॉप में खड़ी थी पीछे से पता नहीं किसी ने सीटी बजा दी लड़की ने पलट के बोली किसने मुझे मिस कॉल दिया एक 80 साल का बुड्ढे को पकड़ लिया उसने तुमने मुझे मिस कॉल दिया मैं कैसे दूंगा मेरी वैलिडिटी खप के खत्म हो चुकी है पीछे से एक लेडी आई झूठ बोल रहे हैं कल ही तो रिचार्ज करा रहे थे आइए कुछ एक्टर्स की बात करते हैं फिल्म स्टार्स एक गाना है बहुत ही हिट था आमिर खान का क्या बोलती तू आती क्या खंडाला खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या तो महसूस कीजिए यही जो गाने हैं इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं नए पुराने कलाकार सबसे पहले जानी राजकुमार साहब सन के आदमी हैं वो भी चले गए खंडाला के लिए राजकुमार सुनो क्या तुम हमारे साथ खंडाला चलोगी वहाँ पे क्या हम लोग खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे बकवास बंद करो ये चिचोरे हरकत हम नहीं करते हम राजा है और रही बात गाने की नाचने की वो तुम करोगी ऐश हम करेंगे इसके बाद शशि कपूर आजकल फिल्मों में काम नहीं करते हैं आराम कर रहे हैं लेकिन वो भी चले गए एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं खंडाला के लिए शशि कपूर माँ शीतल वर्मा कमाल कर दिया आपने क्या बोलते तो आते क्या खंडाला खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे पहले जमाने की लड़कियां बर्तन मांजती थी बच्चे पालते थे चूल्हा जलाया करते थे कपड़े धोते थे आज कल की लड़कियां प्रोफेसर बन सकती है डॉक्टर बन सकती है इंजीनियर बन सकती है याद तक मेरे साथ अपने खर्चे से मुझे खंडाला ले जा सकती है क्या बात है क्या बात है क्या बात है इसके बाद गुलशन ग्रोवर को पता चला वो भी किसी के पीछे चला गया गुल्लू गुलशन ग्रोवर अरे सुन अरे क्या बोलते तो आते क्या खंडाला अरे मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं अगर तू खंडाला नहीं चलेगे मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा क्योंकि मैं हूं बैड मैन वो पलट के बोले मैं कौन सा अच्छा मैन हूं मेरे को तो दो लाइन याद आती हैं वो आए कब्र पे मेरी दिया बुझाकर चल दिए वो आए कब्र पे मेरी दिया बुझाकर चल दिए थोड़ा सा तेल बचा था सर पे लगा के चल दिए और वक्त है इस कोर्स का नितिन को मिलते हैं 10 में से मैं बोलूं हाँ नितिन भाई हम तीनों ने मिला लिए हैं हाथ और आपको मिलते हैं 10 में से 7 थैंक यू वेरी मच नितिन ने फिल्म स्टारों की बातें बहुत अच्छी की फिल्म स्टारों से मुझे याद है आप थिएटर में फिल्म देखने जाइए पर्दे पे जो कुछ हो रहा है होता है आगे बैठी ऑडियंस जो उसमें कमेंट्स मारती है आधा पैसा तो मेरा वहीं वसूल हो जाता है एक फिल्म में अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी को पकड़े हुए खींचते ले जा रहे हैं गुस्से में बाथरूम ले गए बाथ टब पानी से भरा होता है ना उसे अमरीश पुरी को घुसाड़ दिया बोलो शकल शकल तुम किसके लिए काम करते हो बोलो बोलो शकल किसके लिए काम करते हो फिर पानी में डुबाया बोलो शकल फिर पानी से निकाला बोलो शकल फिर पानी से निकाला पब्लिक बोले अबे इतनी देर में तो पंचर मिल गया होगा क्या बात है राजेश खन्ना एक फिल्म में बोले
अरे पुष्पा, अरे देख मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ। पुष्पा देख मैं तेरे लिए रोटी लाया हूँ। पब्लिक बोले दाल और सब्जी भी लाया कर पागल। अबे खाली रोटी कौन खाए। और दोस्तों नितिन के बाद मुकाबले के लिए फिर से तैयार हैं जो दो बार कॉमेडी का सरताज पहन चुके हैं, एक बार फिर से जोरदार तालियों के बीच वीआईपी। अरे आया वीआईपी, लोगो रे लोगो, वीआईपी के संग हंस लो हंस लो, शेरों का ये है शेर यारो, ईसा ना कोई दिल रे यारो। आया वीआईपी, लोगो रे लोगो, वीआईपी के संग हंस लो हंस लो। टीवी के माध्यम से आप सभी हम लोग को देख रहे हैं, हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है। और टीवी के माध्यम से तुलसी ने और पार्वती ने लोगों को इतना रुलाया कि लोगों के आंसू खत्म हो गए। किसके घर में मैयत भी हो गई है, खाली रो रहे आंसू ने। आंसू किधर है, खत्म खत्म हो गए। फिर आया कॉमेडी का दौर, हर चैनल पे कॉमेडी, हर चैनल पे लोग कॉमेडी से तंग आ जाए, कंटाल जाएंगे यार बस कॉमेडी। भगवान ने करे, भगवान ने करे। अब आगे जाके ये होगा कि हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं होगा, तो हम लोग को कुछ काम तो करना है, बी बच्चे पालने हैं। एहसान जी, अब एहसान जी को काम अच्छा मिल गया रेलवे में, क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है बड़ा अच्छा, मैंने जब उसे देखा है, क्योंकि इनको फिट है वो। अब ये घर में भी मेरे ख्याल से ऐसे बात कर देंगे, भूख लगी है, खाना किधर है, खाना खिलाओ। बीबी बोलेगी वहाँ पे रखा है, खुद बनाओ खुद खाओ। अब ऐसा हो गया वीआईपी। हाँ जी, जो मेरी नकल करता है मैं उसके घर भी जाता हूँ, और थोड़ी देर के बाद बेटा तुमको भी निपटाता हूँ। मैंने मेरे वॉचमैन को बोल के रखा है, मैंने मेरे वॉचमैन को बोल के रखा है, मेरी जैसी कोई आवाज़ करो ऊपर मत भेजना। तो आइए अब एहसान जी को मिल गए रेलवे में अनाउंसमेंट। अब रेलवे की जो तकदीर वाला, क्योंकि उनको माइक का काम है, तो माइक वाला मिल गया इनको, ये अनाउंसमेंट करें अपने अंदाज में। प्लेटफॉर्म कर मांग दो की गाड़ी, तीन पे आने वाली है, आने वाली आके गई। नवीन प्रभाकर पहचान कौन, अब इन्होंने अपनी पहचान छुपा ली, एक बार में खुद बाहर वाला बन गया, लड़की बन के डांस कर रहा है अपने अंदाज में, क्योंकि कुछ काम तो करना है, बच्चे पालने हैं, शुरू हो गया। बहुत पैसे बरसे, धड़ाधड़ नोट बरसे, धड़ाधड़ खुश। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बरसे, चौथे दिन उस आदमी को पता चल गया जो बरसा रहा कि भाई लड़की नहीं लड़का है। अगले दिन वो लड़की पे बंडल, नोटों का बंडल ले गए। नवीन ने बहुत मेहनत की, उस पर एक रुपया भी नहीं आया। वो बाजू वाली लड़की पे बंडल बरसाया जा रहा नोट, नवीन टेंशन में। ए पूरा लड़की को डालेगा क्या, मेरे को डालना क्या, ज्यादा समझ में आ रहा है, नोटों की बंडल की बात कर रही हूं कुत्ता। नवीन की सिफारिश से काम मिल गया एक और हमारे कॉमेडियन को, उसी बार में वेटर का। अब वो बेचारा दारू लेकर आ रहा है सर्व करने के लिए, सामने वाला कस्टमर टेंशन में, क्या गिलास तो आधा है। अबे क्या देख रहा तू, गिलास को देख रहे, वहाँ से चला था तो गिलास था पूरा, रास्ते में आया हो गया अधूरा, अबे देख मत मेरी शक्ल, पी ले उसे वरना मैं पी जाऊँगा इसको पूरा, नाम है रतन नूरा। और हमारे गजोदर भैया, गजोदर भैया
इनको भी एक अच्छा काम मिला है, इन्होंने लॉन्ड्री खोली, एक धोबी की दुकान, लोगों के कपड़े धो रहे, अच्छा मतलब धंधा चल रहा है, बिजी है मतलब अच्छा चल रहा है। अब एक दिन गजोद्र भाई टेंशन में, मैंने बोला भाई गजोद्र भाई क्या प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार, राखी के घर गए थे। कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं राखी कुछ नहीं बोली, बढ़िया फर्स्ट क्लास है राखी तो। तो पैसा वैसा? पैसा भी बढ़िया दे रही वो तो कुछ बोले। मतलब फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं बस हम गांव जा रहा हूँ, सब बेच बाच कर अच्छा नहीं लग रहा। मतलब प्रॉब्लम क्या है? जब कपड़ा धोने बैठता हूँ तो पहले टिकिया रखना पड़ती है, बाद में ऊपर से कपड़े, छोटे छोटे कपड़े, टिकिया से छोटा तो उसका कपड़ा है भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाओ अमेजिंग। एक करेक्टर भाई बेवड़ा, तुम्हारा करेक्टर बारमैन के पास आया, बारमैन ए जल्दी, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो अरे जल्दी एक पैक दे, जल्दी जल्दी एक पैक दे, लड़ाई होने वाला, जल्दी दे जल्दी एक पैक दे, लड़ाई होने वाला। उसने ढपाक से दिया, बिना पानी के पी गया, ढपाक। रिपीट रिपीट रिपीट, एक पैक और दे, जल्दी जल्दी दे, लड़ाई होने वाला है। रुक रहे क्या लड़ाई लड़ाई बोल रहा है? कभी होगा लड़ाई? अभी, जब तू पैसा मांगेगा। क्या बात है। ओहो भाई अब वक्त आ गया वीआईपी को पॉइंट्स देने का, और वीआईपी को मिलते हैं 10 में से 10। आपने खोल दिए हो बियर बार का गेट और आपको मिलता है 10 में से 8। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अभी इनके बीच एक मुकाबला और होना बाकी है, वो देखेंगे ब्रेक के बाद। हंसे 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 गारे, हंसेगा इंडिया रे, हंसे 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 गारे, हंसेगा इंडिया रे। राजू घोड़े वाला मैं हूँ, राजू घोड़े वाला, राजू घोड़े वाला मैं हूँ, राजू घोड़े वाला, तुम्हें कोई क्या मारेगा, मैं तुम पे मरने वाला। हमारे दोनों कॉमेडी के योद्धा अंदर अकल के घोड़े दौड़ा रहे थे, इसी घोड़े दोनों बैठे हुए थे, वीआईपी और नितिन। मैंने घोड़ा छीन लिया, मैंने कहा रिहर्सल का वक्त नहीं है, अब सीधा सीधा मैदान में आ जाओ। बस घोड़ा लेके मैं भाग आया। हथौड़ा? ये हथौड़ा मैं उनके लिए लाया हूँ, जो हमारे प्रोग्राम में नहीं हंसेंगे उनके खोपड़े में मारूंगा। उड़ी बाबा खोपड़े में। और अब मैं कॉमेडी के सबसे पहले योद्धा को बुला रहा हूँ आपकी तालियों के बीच, नितिन। राजू घोड़े वाला मैं हूँ, राजू घोड़े वाला, तुम्हें कोई क्या मारेगा, ये तुम पे मरने वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। एक लड़का कॉलेज स्टूडेंट फेल हो गया, उनके डैडी परेशान हो गए, पिताजी परेशान हो गए, तू फेल हो गया नालायक, तू फेल हो गया, तू फेल हो गया, पढ़ता नहीं, फेल हो गया। वो देख सामने लड़की को, देख फर्स्ट आई है, देख देख वो फर्स्ट फ्लोर वाली को, फर्स्ट आई है, देख देख क्या देख देख उसको, देख देख के तो मैं फेल हो गया। तीन लोग मिल गए, अमेरिका वाला, एक इंग्लैंड वाला, एक इंग्लिश, इंग्लैंड वाला, गेटवे ऑफ इंडिया के पास तीन लोग शुरू हो गए, अपने अपने कंट्री के बारे में, देश के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिकन बोलने लगा, अमेरिकन यू नो हमारा कंट्री में जैसा रोड पे एक्सीडेंट होता है, जैसा रोड पे एक्सीडेंट होता है, 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आता है, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाता है, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर। इंग्लैंड वाला बोला, दिस इज नथिंग, हमारा कंट्री में एक्सीडेंट होने के 5 मिनट पहले एम्बुलेंस आता है, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाता है। अभी इंडिया वाला बोला, इंडिया वाला हम लोग कहते हैं एम्बुलेंस आता है नहीं, आदमी चल के उठ के खुद हॉस्पिटल जाते हैं। अभी मैं एक अंतर बता रहा हूँ, कोई 10 माले की बिल्डिंग से गिरेगा तो क्या आवाज़ आएगी, और कोई पहले माले की बिल्डिंग से गिरेगा तो क्या आवाज़ आएगी। 10 माले की बिल्डिंग से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, आवाज़ आ,
और पहले माले से गिरा तो हाय दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे बाबा लोग हैं जो चमत्कार करते हैं, उनके पास भी बहुत सारे लोग जाते हैं। ये देखो, ये आदमी को देखो, ये देखो इसका पैर, ये लंगड़ा है, ये चल सकता है, ये चल सकता है, मैं बोलता हूँ ये चल सकता है। वो सामने खड़ा था, तुम चल सकते हो, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ भगवान, इन द नेम ऑफ एवरीबॉडी, तुम चल सकते हो, चलो चलो। वो चल ही नहीं रहा है। भाई तुम चल सकते हो, उतने में इनका असिस्टेंट है, भला भाई ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलता यार, तुम चल सकते हो, तुम चल सकते हो। भाई ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये चलेगा नहीं क्योंकि ये लंगड़ा नहीं है, ये बहरा है, इसको सुनाई देगा तब चलेगा ना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। कुछ तो बाबा असली होते हैं, बहुत डेडिकेटेड, गुलाटी वाले बाबा, गुलाटी वाले, चड्डी वाले। और कुछ बाबा होते हैं बने हुए, ढोंग करते हैं और पैसा कमाते हैं और इतना आडंबर कर लेते हैं। कई बार तो क्या करते हैं, जैसे 10-20 लोग जा रहे होंगे, मेले वेले में बैठे रहेंगे कोने में, 10-20 लोग जा रहे होंगे तो 2-3 को हटाते हैं, तू हट, तू हट, तू इधर आ, तू नसीब वाला है, तू अल्लाह वाला बंदा है, क्या तेरे पास है, बाबा को दे दे, याद रख, या मौला बाबा को दे, हक मौला, हक मौला। अगला डर जाता है, मैं क्या किया है, दे बाबा को दे, याद रख बाबा ने तुझसे मांगा है, बाबा को दे। अच्छा अच्छा, डांटो मत, ये लो, हाँ दे, हाँ ये लो, हाँ तूने दिया, बाबा खुश हुआ, अब मांग, मांग क्या मांगता है, मांग ले। मैं बोला मेरे पैसे वापस दे। जोरदार तालियां अगेन नितिन के लिए। थैंक यू, शुक्रिया नितिन, अच्छा परफॉर्म किया यार। अब बुलाओ, चालू है वीआईपी, आ जाओ यार, वेरी गुड यार। आई सज रही देखो मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सज रही देखो मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में, सुनहरी गोटे में रुपेरी गोटे में, सुनहरी गोटे में रुपेरी गोटे में, आई सज रही देखो मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में। बस कर चंपा, जब हम बच्चे थे सर, राजू भाई, जब हम बच्चे थे तो हमारी आवाज़ सेम, जितने भी बच्चे सबकी आवाज़ सेम होते हैं। अब स्टारों के साथ क्या होगा, अब स्टार भी बच्चे थे मगर उनके स्टाइल में वो रोएंगे। गैस कीजिए, अब शत्रु साहब जब बच्चे थे, शत्रु साहब कैसे रोए होंगे अपना। अशोक कुमार जी, थका हुआ बच्चा, कितने दिन से दूध नहीं पिलाया उसको। राज कपूर साहब जब पैदा हुए थे, छोटे से राज कपूर साहब, ऐसा लगता है उनकी मम्मी खो गई हो, बच्चे ढूंढ रहे अपने, सब औरतों को बजा रहा है। अचानक उनकी मम्मी ने आवाज़ लगाई, जब नाराज होकर चले गए, राजू शाहरुख खान कैसे रहेगा। Silence please. Excuse me. Silence please. Ladies and gentlemen, now is the time to announce the winner. देखते हैं कौन है आज का कॉमेडी का महाराजा। आज जंग हुई थी बहुत तगड़ी,
देखते हैं कौन पहनता है आज पगड़ी। Come on babe, come on। हसे 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 गारे, हसेगा इंडिया रे। हसे 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 गारे, हसेगा इंडिया रे। हसे 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 गारे, हसेगा इंडिया रे। Very good यार, very nice performance यार, very good यार। पहले राउंड में नितिन को मिले थे 7, इस राउंड में एक को मिले 8 और एक को मिले 9। कौन विनर होगा यार, सोचने वाली बात है यार, कमाल है यार। आज का कॉमेडी का महाराजा है वीआईपी। पगड़ी लाओ यार। अब तक लगातार हैट्रिक किया वीआईपी ने, 3 एपिसोड लगातार जीते। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय वीआईपी फिर से आएगा, एक नया आदमी उसको चैलेंज करेगा, देखते हैं इसका ताज बरकरार रहेगा कि नहीं। कोई शक।